तो यार बात करते हैं कलर प्रेडिक्शन की स्ट्रेटेजी की। काफ़ी लोग पूछते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं या फिर कैसे पता करें कि अगला कलर कौन सा आने वाला है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो पूरी देख ले, आपको पता चल जाएगा। तो अभी आप मेरा अवेलेबल बैलेंस देख सकते हैं 7,918 रुपये। पैसा आपको कैसे लगाना है वो आपको पता है, स्ट्रेटेजी 3 times वाली 100, 300, 900, 2700 करके पैसा आपको लगाना है। तो अपन देख लेते जस्ट पिछले रिजल्ट्स क्या आए थे। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि लास्ट के जो प्राइस है उसके बीच के 3 और 4 नंबर पे जो नंबर है, अभी हर टाइम ट्रेंड और पैटर्न चेंज होते रहते हैं कलर्स के आने का या प्रेडिक्शन आने का। तो अभी आप मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ, तो अभी मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 और 9, यानी 1 और 9 मन के मिलता है 10, यानी कि ये एक ईवन नंबर है। तो ईवन नंबर पर हमेशा रेड आएगा, ऑड नंबर पर हमेशा ग्रीन आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 बनता है, 10 एक ईवन नंबर है, तो ऊपर जो प्रेडिक्शन है वो रेड आई है। इसके ऊपर वाली देख लेते हैं, यहाँ पे 2+1 3 होता है, 3 एक ऑड नंबर है, तो ऊपर प्रेडिक्शन ग्रीन आई है। इसके ऊपर देख लेते हैं 1 और 9 एक ईवन नंबर 20 बनाता है, तो ऊपर प्रेडिक्शन रेड आई है। उसके बाद देख लेते हैं 2 और 0 एक ईवन नंबर है, तो इसका मतलब प्रेडिक्शन रेड आई है। तो ऊपर आप बिल्कुल देख सकते हैं कि ऊपर प्रेडिक्शन रेड आई है। अब जो ऊपर काउंटडाउन चल रहा है, 38 सेकंड बाद एक और कलर आने वाला है। लास्ट कलर आया था रेड, इसमें प्रेडिक्शन के प्राइस के 3 और 4 नंबर हो रहा है 2 और 0, यानी 20। तो ये भी एक इवन नंबर है, तो यहाँ पे एक 80-85% चांस है कि अगला नंबर भी वापस रेड आएगा। तो हम जस्ट वेट करके देख लेते। तो फ्रेंड्स ये जो ट्रेंड है ये ज़्यादा देर तक चलता नहीं है, ये सिर्फ 4 या 5 बेट तक चलेगा, उसके बाद फिर से पैटर्न चेंज हो जाएगा, तो आपको फिर से एनालाइज करना है। तो ये जैसे कि मैंने रिफ्रेश करके आपको बता दिया है, जो अभी जो कलर आया है वो फिर से रेड ही आया है। तो जस्ट ये स्ट्रेटजी अभी मैं फॉलो कर रहा हूँ, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये ट्रेंड अभी पिछले 6 से 7 बार से चला आ रहा है, तो इसमें ब्रेकडाउन आएगा, एक ब्रेकडाउन आएगा जिसमें ये ट्रेंड फॉलो नहीं करेगा, उसमें 4 से 5 बार बेट आपकी गलत जाएगी, लेकिन फिर से ये फॉलो करना स्टार्ट करेगा। तो आप 5 से 7 बार का फंड इसीलिए कहते हैं कि आप इसमें रखें, और पहली बेट गलत निकलती तो 3 गुना या फिर उससे फिर 3 गुना, मतलब 4 से 5 बार में आपकी बेट सही हो जाएगी। तो फ्रेंड्स यही ट्रेंड आपको फॉलो करना है, एक ना एक बार आपका इसमें ट्रेंड सक्सेसफुल हो जाएगा। और यही ट्रिक है, और नए नए पैटर्न्स आप खुद भी आपके बना सकते, काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज है वो आप फॉलो कर सकते। तो ये मुझे जस्ट सिंपल सी एक ट्रिक लगी जो मैंने आपको बताई, और ये वर्क कर रही है, जैसे कि अभी आपको मैंने कैलकुलेट करके बताया भी है।